हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में बताना चाहती हूँ, जैसे हब, स्विच, राउटर, ये सब। पहली डिवाइस है हब। हब क्या होता है? हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है। अ हब इज़ अ कॉमन कनेक्शन फॉर डिफरेंट डिवाइस। इट कंटेन्स अ मल्टीपल पोर्ट टू कनेक्ट डिवाइसेज। यानी ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखते हैं। जैसे इसमें मल्टीपल पोर्ट होते हैं, यानी बाय द हेल्प ऑफ हब आप बहुत सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। यानी एक सिंगल डिवाइस से आप मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। जब आपको एक सिंगल डिवाइस से मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने की नीड हो, उस टाइम आप हब का यूज़ करते हो। जैसे यहाँ पर मैंने एक फिगर दिया हुआ है जिसके थ्रू आप देख सकते हो, ये एक हब है बीच में, और इसके थ्रू हम, ये एक हब एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है, आपको देखिए, ये हब है एक डिवाइस जिसके थ्रू मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट की जा रही हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है स्विच की। स्विच भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। स्विच इज़ अ डिवाइस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स अदर डिवाइसेस, जो अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखती है। मल्टीपल डेटा केबल्स आर प्लग्ड इनटू अ स्विच टू इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस। यानी आप ये समझ सकते हैं, हमें कम्युनिकेशन करने के लिए एक स्विच की ज़रूरत होती है जो मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करके रखती है। ठीक है, देखो आप लोगों ने हब में भी पढ़ा कि एक हब के थ्रू हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखते हैं, लेकिन अब आप बोलेंगे स्विच का क्या काम है? स्विच कनेक्ट करके रखती है। देखो आप जब स्विच करते हो तो स्विच ऑन और ऑफ, ये सारे काम होते हैं स्विच के। सिमिलरली मैं यहाँ पर यही बताना चाहती हूँ, स्विच है एक डिवाइस, ये एक हार्डवेयर टाइप का कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखते हैं। जब तक हम स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक हमारी डिवाइसेस कनेक्ट नहीं होंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक स्विच है। स्विच के थ्रू ही हमारे बहुत सारे पीसी कनेक्ट हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर कनेक्ट है, सर्वर कनेक्ट है, प्रिंटर कनेक्ट है, मॉडम भी कनेक्ट है। यानी ये स्विच है, मेन स्विच। अब जब तक हम इस स्विच को ऑन नहीं करेंगे तब तक हमारी ये सारी डिवाइसेस कनेक्ट नहीं हो सकती ना, ना ही डिवाइस कनेक्ट हो सकती, ना ही ये ऑन और ऑफ हो सकती। स्विच को ऑन करने के बाद ही ये सारी डिवाइसेस चालू होंगी। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये नेटवर्क स्विच है। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे सारे पीसी, सर्वर्स, मॉडम, प्रिंटर सभी ऑफ हो जाएंगे, और जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं हमारी सारी डिवाइसेस ऑन हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं रिपीटर की। रिपीटर का मतलब क्या है? रिपीटर भी देखो एक डिवाइस है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिग्नल को रिसीव करती है और उसको रीट्रांसमिट करती है। ये ट्रांसमिशन जो सिग्नल होते हैं उनको एक्सटेंड करने का काम करते हैं, यानी बढ़ाने का काम। जैसे कि हमारे पास कोई सिग्नल आ रहे हैं, जैसे कि आपको रेंज देनी है, एक सिग्नल आ रहे हैं कुछ लिमिट तक, 100 मीटर तक आपके सिग्नल आ पा रहे हैं। अब आपकी रेंज 200 मीटर तक की है तो आप वहाँ पर एक रिपीटर लगा देंगे जिससे कि जो आपके सिग्नल आ रहे थे, जो सिग्नल की स्पीड आ रही थी, वो सेम रीट्रांसमिट हो जाएगी, यानी सेम वापस से वैसी ही हो जाएगी। जैसे कि देखो ये आपका सर्वर से 100 मीटर तक की डिस्टेंस ले रहा था, अब आपको चाहिए 200 मीटर तक की, लेकिन हमारा जो सर्वर है वो सिर्फ, हमारे पास जो वायरिंग है वो 100 मीटर तक की है। अब आप क्या लगा दोगे बीच में? रिपीटर। जब रिपीटर लगा दोगे तो रिपीटर से आप जब वायरिंग को जॉइंट कर दोगे तो वो सेम जो जितने भी सिग्नल हैं वो रीट्रांसमिट हो जाएंगे, रीट्रांसमिट यानी दोबारा से जनरेट हो जाएंगे 100 मीटर की अगेन रेंज में। तो आपके जो मेन पीसी तक हैं वहाँ पर आपके सिग्नल सेम टू सेम आएंगे, यानी जो ओरिजिनल सर्वर से आपका जो सिग्नल आ रहा था वो सेम आ रहा था। देखिए बहुत सारे जो सर्वर्स होते हैं वहाँ पर मेन कनेक्शन होता है, यानी मेन सर्वर होता है, वहाँ से पॉसिबल नहीं होता हमारे सिग्नल्स एज इट इज़ आ पाएँ। तो हम लोग क्या करते हैं, जगह जगह रिपीटर लगा देते हैं। जैसे कोई कनेक्शन आ रहा है मेन सर्वर से आपकी, जहाँ आप रहते हैं उस जगह एक रिपीटर लगाया है तो सेम सिग्नल आपकी जगह, आपकी पोजीशन पे जहाँ हैं वहाँ आने लगे। सिमिलरली एक जगह और रिपीटर लगा दिया। आप अपने घर पर भी ये काम कर सकते हैं कि आपने एक कहीं से कनेक्शन लिया है, अब आपको अपने घर में 3 बिल्डिंग है, तीनों जगह अगर आप रिपीटर लगा देते हो तो सेम सिग्नल आपके तीनों फ्लोर पर पहुँचेंगे। समझ में आया इतना?
आई होप सो आपको रिपीटर क्लियर हुआ। रिपीटर का बेसिकली मीन्स क्या होता है, रीट्रांसमिट करना, सिग्नल को रीट्रांसमिट करने का काम जो होता है वो एक रिपीटर का होता है। रिपीटर का काम क्या होता है, सिग्नल को रीट्रांसमिट करने का काम, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग गेटवे। गेटवे क्या होता है, ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो एक एक्ट करता है, यानी एक वर्क करता है गेट की तरह, बिटवीन टू नेटवर्क, यानी दो नेटवर्क या दो से ज़्यादा नेटवर्क के बीच में एक गेट की तरह जो वर्क करता है, दैट इज़ अ गेटवे। ये वर्क हमारा राउटर, फायरवॉल, सर्वर, अदर डिवाइसेस के बीच में कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये गेटवे दिया हुआ है और ये बहुत सारे पीसीज वगैरह दिए हुए हैं जिनके बीच में ये वर्क कर रहा था। देखो, सर्वर है, राउटर्स हैं, गेटवे, इन सब के बीच में वर्क कर रहा है। यानी जब एक तरीके से आप ये समझिए, बहुत सारे नेटवर्क आ रहे हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं, कम्युनिकेशन करना है तो उनको ऑन और ऑफ, किसको सिग्नल को पास करना है, किसको नहीं करना, वहाँ गेटवे वर्क करता है। देखो, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इट मे बी राउटर, फायरवॉल, सर्वर और अदर डिवाइसेज दैट इनेबल्स ट्रैफिक टू फ्लो इन और आउट ऑफ द नेटवर्क। यानी जो ट्रैफिक होता है नेटवर्क का, उसको फ्लो इन और फ्लो आउट कराने का काम करता है। यानी अगर सिग्नल में एक से ज़्यादा लोग हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारे पीसीज हैं, ट्रैफिक हैं, तो ये गेटवे काम करेगा, गेटवे ही काम करेगा कि सिग्नल को पास कराना है, नहीं कराना, किसको कम्युनिकेशन, अभी कौन ट्रांसमिट कर सकता है, कौन सा नेटवर्क कौन सा ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। एक गेट की तरह काम करता है जो सिग्नल को ऑन और ऑफ करने का काम करता है। हमारे कम्युनिकेशन जब नेटवर्क आते हैं तो उनको पास कराने का काम कौन करता है, गेटवे। आई होप सो आपको गेटवे समझ आया। नेक्स्ट वन इज अ राउटर। राउटर एक स्मॉल डिवाइस होती है जो मॉडम और कंप्यूटर के बीच में कनेक्ट होती है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये राउटर दिख रहा है आपको बीच में, और ये राउटर देखो, राउटर ए, राउटर बी और राउटर सी, ये कनेक्ट है। और कहाँ कनेक्ट होता है, पीसी यानी हमारे कंप्यूटर और मॉडम के बीच में कौन कनेक्ट होता है, राउटर। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, राउटर ए, राउटर बी और राउटर सी, ये कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अगली बात कर रही हूँ मैं मॉडम की। मॉडम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का काम बेसिकली होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना, और डीमॉड्यूलेटर का काम होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। ये सिग्नल को ट्रांसमिट करने के काम आते हैं, यानी एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग, जैसा यहाँ पर मैंने एक फिगर में दिखाया हुआ है। ये मॉडम लगा है, ये एनालॉग सिग्नल। देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना, राउटर जो होता है वो मॉडम और कंप्यूटर यानी हमारे पीसी के बीच में वर्क करता है, जिसका काम होता है इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना। कहाँ कहाँ इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना, राउटर का काम होता है मॉडम और कंप्यूटर के बीच में इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना, ये काम होता है राउटर का। लेकिन मॉडम का काम होता है एनालॉग सिग्नल से डिजिटल और डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, यानी मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। यानी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करती है। ठीक है, यही काम होता है मॉडम का। मॉडम का काम क्या होता है, एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने का, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा।